हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा अभी फिजिक्स का क्लास, जिसमें हम लोग ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हम लोग का चल रहा है जनरल फिजिक्स का, जो भी 300+ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक वीडियो हो चुका है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम लोग इसका सेकेंड वीडियो करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है। गति पालक चक्र ये क्या होता है? ये होता है फ्लाई व्हील। ठीक है, फ्लाई व्हील ये उड़ान भरने में सहायता पहुंचाता है। ये पहिया, एक तरह का पहिया होता है, इसी को बोलते हैं फ्लाई व्हील, यानी गति पालक चक्र। तो भाप इंजन में भी ये एक बहुत ही हेल्पफुल पार्ट है उसका। क्यों ऐसा है? क्योंकि गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ये एक तरह का स्टेबलाइजर है। ठीक है, गति को एक जैसा बनाए रखने के लिए गति पालक चक्र का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होता है। आप एक हाइट पे चले जाओ, ठीक है, वहां पे एयर कंप्रेसर यूज करो, तो एयर कंप्रेसर का जो पावर होगा, ठीक है, काम करने का जो तरीका होगा, यानी उसका एफिशिएंसी जो होगा और उसका काम करने में जो उसको टाइम लगे या जो भी हो, ठीक है, उसका निष्पादन में, उसको समुद्र तल की तुलना में क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा, कैसा होगा? वो निम्न होगा। ठीक है, एयर कंप्रेसर वहां पे कम काम करेगा समुद्र तल के रेस्पेक्ट में। क्यों? आप जानते हो यहाँ पे एयर प्रेशर ज्यादा है, जब आप हाइट पे जाते हो तो यहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, तो जल्दी से वो कंप्रेस भी हो जाता होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किसी भी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है तापमान पर। अगर किसी भी पदार्थ का आपको आइडियल, स्पेशली अगर आइडियल गैस का बात करें, तो इसका अगर आंतरिक ऊर्जा आपसे पूछा जाए कि किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है तापमान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रक टायर के लिए स्पीति दाब होता है सामान्यतः। तो ट्रक टायर का जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है, आप जानते हो ट्रक के टायर में हवा भरा जाता है, तो उसका जो इन्फ्लेशन प्रेशर होता है वह नॉर्मली कितना होता है? तो वह होता है 2.2 kg/cm². ठीक है, 2.2 kg/cm², ये होता है ट्रक टायर का इन्फ्लेशन प्रेशर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? कौन सा नियम बल की प्रकृति यानी नेचर को बताता है? कौन सा नियम है? तो वह है न्यूटन का तीसरा नियम। अब यहां पे थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम, और क्वेश्चन देखो शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको चेंजेस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे आपका ना तो डेफिनेशन पूछा जा रहा है, ना ही उसका फॉर्मूला वगैरह पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि बल का प्रकृति कौन दर्शाता है, नेचर कौन दर्शाता है। यह है तीसरा नियम। आप जानते हो कि बल का एक नेचर होता है कि आप जितना दे रहे हो आपको वापस उतना मिलता है, और ये नेचर कौन शो करता है? यह करता है तीसरा नियम। अगला है कि सरल लोलक के आवर्त काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपको बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है। इसका पहला स्टेटमेंट है कि यह लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो देखो, आपको सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला मैंने पहले भी बहुत बार बताया, आपको ये पता होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इसका सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ये क्या होता है? टी इक्वल टू क्या होता है? 2π√L/g, ये फॉर्मूला होता है। तब यहाँ से आपको यही इसी फॉर्मूला को स्टेटमेंट में बना के दिया हुआ है। अब देखो, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब है नहीं। तो टी जो है वह √L के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी टी जैसे √L जिस तरह से बढ़ेगा उस तरह से टी भी बढ़ेगा। अब अगर जी के प्रोपोर्शन में पूछे तो यह हो जाएगा √G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी। टी यानी टाइम पीरियड √G के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है जी के। बस यही आपके स्टेटमेंट में भी दिया हुआ होगा। चलिए देखते हैं क्या क्या इसके स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो इसके स्टेटमेंट में भी आपको इसी तरह का चीज मिलेगा, तीन चीज आपको दिया हुआ होगा। देखो यहाँ पे है ना, दूसरा है कि यह द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान यानी मास, मास से इसका कोई मतलब है नहीं, मास पे ये डिपेंड ही नहीं करता है। तो आपका यही स्टेटमेंट गलत है, आपको यही पूछा जा रहा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देख लेना तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह गुरुत्व त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्व त्वरण के वर्गमूल यानी यहाँ पे आपका √L/g आता है। ठीक
ठीक है, तो अंडर रूट जी भी आ गया, ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी सही है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सिर्फ दो गलत है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर की सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा। अब कोई झील की तली में कोई वायु का बुलबुला है, यह उठ के ऊपर आ रहा है, तो यह ऊपर आके क्या होगा, ऊपर आके यह बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि वायु सॉरी जो बुलबुला है उसके अंदर का प्रेशर, ये आप याद रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस दूसरे क्वेश्चंस भी बनते हैं, आपको कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बुलबुले के अंदर का प्रेशर में कंपेयर करें ज़्यादा किसका प्रेशर होता है, तो ये होता है अंदर का, ठीक है, बुलबुले के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है, तो जब ये पानी में रहता है तब तो ये छोटा रहता है, लेकिन जैसे ही ये बाहर आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया गोला का, इस कारण से ये साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से प्रेशर लग रहा है बाहर और बाहर से कम प्रेशर लग रहा है, तो क्या होगा, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आपका ऐसे, दूसरा आपका बनता है बेसिक क्वेश्चन कि किसका प्रेशर ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बुलबुले के अंदर का प्रेशर, तो बुलबुले के अंदर के प्रेशर का अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, यहाँ आपका आंसर क्या होगा, यहाँ हो जाएगा उसका साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि साधारण साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता कर, साधारण यंत्र यहाँ पे सिंपल मशीन दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल मशीन क्या होता है ये आप सब जानते होंगे, आप जो स्क्रू ड्राइवर सब यूज करते हो, ठीक है, यानी वो मशीन्स जिसको आप बिना किसी गैजेट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट टाइप सॉरी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बोल सकते, मतलब जैसे आप जनरेटर वगैरह यूज करते हो, तो ये सिंपल मशीन नहीं है, ये सब कॉम्प्लेक्स मशीन है, आप डिफ्रेंशिएट कर लो ना, जो बहुत ही सिंपल है और आपको काम में हेल्प करता है, जैसे स्क्रू ड्राइवर पिलास, ठीक है, पुलिस वगैरह पानी पुल करने के लिए होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारा फंक्शन है, तो ये सब जो भी आपके छोटे छोटे मशीन्स हैं सिंपल मशीन्स इसी को बोलते हैं। तब आपको ये बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को सहायता करता है क्या करने में, सिंपल मशीन क्या करने में हेल्प करता है, यह करता है कम बल का प्रयोग करके उतना ही मात्रा में काम करने में, ठीक है। आप मान लो ये एक स्क्रू है, ठीक है, इसको आप हाथ से टाइट करते हो, तो धीरे 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 यहाँ तक तो आप करोगे, इसके बाद फिर ये अंदर नहीं जाने लगेगा और बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, हाथ में दर्द होने लगेगा क्योंकि ये अंदर जाएगा नहीं, घूमने लगेगा। अब देखो आप स्क्रू ड्राइवर से करते हो तो आप कितना कम फोर्स लगाते हो, धीरे 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 ये आसानी से पूरा अंदर चला जाता है, ठीक है, क्या हुआ, कम बल का प्रयोग करके उतना ही कार्य कर रहे हैं जितना आप अधिक बल लगाकर करते थे बिना उसके। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आपातकाल क्या होगा। आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा है, आपातकाल क्या होगा, ये कम हो जाएगा, यानी टाइम पीरियड कम हो जाएगा, अगर एक लड़की बैठ के झूला झूल रही है और वह खड़ी हो जाती है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। कारण क्या है, आपने शायद ये नहीं पढ़ा होगा इसका कारण क्या होता है। अब देखो यहाँ पे झूला फिक्स है, ठीक है, ये है झूला, ये यहाँ पे फिक्स है। अब जब ये यहाँ से बैठ के इस पर झूल रही थी तो क्या था, इसका जो लेंथ था वो बड़ा था, अब ये खड़ी हो गई, इसका लेंथ यहाँ पे आ गया, यानी इसका घूर्णन बिंदु से दूरी कम हो जाता है, जिसके कारण से जो प्रदोलन टाइम पीरियड है, ठीक है, इसका आवर्तकाल है वह कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, तो वॉशिंग मशीन आप सब जानते हो इसका कार्य सिद्धांत क्या है, इसका कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगला क्वेश्चन है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम घेरने की यानी न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, इसका कारण क्या होता है। अब जानते हो बूंद ये होता है क्या, अब कहीं पे भी किसी तरह इसको गिराओ ये एक सर्कुलर शेप में और सबसे जो कम इसका हो सकता है क्षेत्रफल वो घेरने का कोशिश करता है, इसका कारण है इसका पृष्ठ तनाव, क्या कारण है, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि ये आपका चैप्टर क्लियर होगा क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, और अगर आप लोग में से किसी ने भी नहीं देखा है तो आप जाओ अभी देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे दो तीन क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, और अगर इस एग्जाम का बात करें जो आने वाले हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम, तो इसमें आप देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डीप पूछा जा रहा है आपको, वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर प्रोडक्ट इस सब से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप वो चैप्टर एक बार देख लेना। अभी क्या है कि कौन सा सदिश राशि है, तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपका जो 90% क्वेश्चन है वो आप सही कर लोगे इस ट्रिक से, कि जिसमें भी बॉ साउंड होता है, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब सदिश राशि है,
90% क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दाब ऊर्जा कार्य, ये दाब जो है इसको मैंने बोला था कि इसका बॉ मत ले लेना, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वेग, संवेग, बल, ये सब चीज़ें आपको लेना है जिसमें बॉ का साउंड आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाई देता है। तो यहाँ पे देखो संवेग, वेग में ही संग लग गया है तो संवेग यानी वेग, इसका इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो वेग है। और दाब देखो तो दाब पूरा वर्ड है, इसमें कोई ऐसा बॉ वाला कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, ठीक है, इन सब में बॉ नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपका ये सही हो जाएगा। देखो ये कोई साइंटिफिकली प्रूव्ड लॉजिक नहीं है, ये बस एक एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़े ना, इसका एक लॉजिक है, तो आपका आसानी से सारा क्वेश्चन आप मार लोगे, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे आपका आया, आप कोई भी क्वेश्चन लगा के देखना, आप इसमें मार लोगे, बस एक विद्युत को छोड़कर। विद्युत वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वह ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे आपका ये फॉलो नहीं होगा और मैक्सिमम जगह आपका ये फॉलो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको दो टेबल दिया हुआ है, इसमें से आपको मैच करना है। तो आप देख रहे हो आपको दिया हुआ है पहला उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और ऊर्जा, और इससे रिलेटेड वर्ड्स वगैरह या यूनिट्स वगैरह दिए हुए हैं दूसरे टेबल में। उच्च वेग यानी हाई स्पीड के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आप जानते हो मैक नंबर, वही मॉक लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में मैक नंबर होता है जो एरोप्लेन सबसे रिलेटेड है, ठीक है, एरोप्लेन के स्पीड से रिलेटेड है मैक नंबर, तो उच्च वेग हो गया मैक नंबर। तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। दाब, दाब का यूनिट होता है पास्कल और ऊर्जा का यूनिट होता है जूल। तो ये तो सारा आपस में ही है, यानी आपका हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा तीसरा। देखो एक का ए, बी का दो, सी का तीन और डी का चार, तो सिंपल था ये, आपको साथ साथ में ही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भौहों के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है, जैसे ही वह गोली दागता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली कहाँ लगेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन मैंने पहले भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो शायद जिसने भी पुराना वीडियोस देखा है उनको ये पता होगा इसका आंसर क्या है। देखो ये बंदर बैठा हुआ है और इसके भौहों के बीच यानी कपाड़ पे, कपाड़ के बीचों बीच इसने निशाना साधा है। अब जैसे ही इसने फायर किया बंदर कूद गया, तो क्या होगा, तो भी बंदर का, बंदर को जो गोली लगेगा वह जिस निशाने पर, जिस लक्ष्य पर उसने साधा था वहीं पर जाकर लगेगा, यानी बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु पर ही घातक करे, आघात करेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना बंदर नीचे जाएगा उसी हिसाब से गोली भी नीचे जाएगा, ठीक है, इसी कारण से जो उसका जो एम था वहीं पे जाकर उसको हिट करेगा। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसमें आंसर गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम जाएगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा है। मैंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाया हुआ, वहाँ पे मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं इसी सबसे रिलेटेड, इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड और इसी तरह का क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे कवर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ जाके देख लो, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर, वहाँ पे आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है आपको याद अगर होगा तो इसका आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। और अगर आपको दूसरा क्वेश्चन याद नहीं भी है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार अभी तक रिपीट हुआ है कि इसका जो पृथ्वी का तल पर जी जो है वह 2% बढ़ जाएगा अगर द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या इसका 1% कम कर दिया जाए, तो आप इसको डेफिनेटली देख ही लेना है इसका सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होगा। देखो हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गुब्बारा है जिसको पृथ्वी के ऊपर छोड़ा गया वायुमंडल में, अब वायुमंडल में बहुत अधिक हाइट पर जाने पर इसके साथ क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या होगा, गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगा यानी साइज में वृद्धि होगा। आप जानते हो कि यहाँ पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है और बहुत हाइट पर जाने के बाद जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है उसमें अंतर है, यहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है, यानी यहाँ जो प्रेशर अंदर में पड़ रहा था और ऊपर जाने के बाद पड़ेगा वो तो सेम रहेगा लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा, ठीक है, बाहरी प्रेशर घट जाएगा जिसके कारण से इसका साइज क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा सी, गुब्बारे के साइज में
इंक्रीमेंट आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इसके बारे में आपको सोचना है और फिर आंसर देना है। तो पहला क्या है, पहला स्टेटमेंट आपका है, पहले क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन, यानी यह दिया हुआ है कि एक सर्कुलर पाथ है, इस पर एक फोर व्हीलर जा रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। अच्छा, यहाँ पे बात यह किया जा रहा है कि अगर ये गाड़ी पलट जाती है, ठीक है, या उलट जाती है तो क्या होगा, किस तरह से ये उल्टेगा, उसके बारे में आपको सोचने के लिए ये बोल रहा है, ठीक है। एक फोर व्हीलर है, सर्कुलर पाथ पे ये मूव कर रही है। अब यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। दूसरा है, अंदर के पहियों पर उल्टेगा। तीसरा है, बाहर की तरफ मिलेगी। और चौथा है, अंदर की तरफ फिसलेगा। अब फिसलेगा या मिलेगा सेम चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो है एक, यानी आपका स्टेटमेंट एक सही है, बाहरी पहियों पर उल्टेगा। जब भी ये पलटेगा तो बाहर वाले पहियों पर पलटेगा और बाहर की तरफ ही फिसलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखो ये आईएएस एग्जाम का क्वेश्चन है 2003 का। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लो। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का टैंकर, यानी एक टैंकर है जिसमें पूरा फुल नहीं है, वह खाली है कुछ, ठीक है, कुछ भाग ही भरा हुआ है, समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, यानी एक्सलरेशन उसका एक समान है और सड़क भी गड्ढा उड्ढा वाला नहीं है, अच्छा सड़क है, उस पर वो जा रहा है। अब तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा, यानी उसका सरफेस किस तरह से होगा, ठीक है, उसका जो फ्री सरफेस होगा वो किस तरह से होगा। इसका सही आंसर है वह है आंसर सी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही है। क्या है कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी क्वेश्चन आनत का मतलब हो गया इंक्लाइंड, ठीक है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ। अब देखो ये अगर तेल का टैंकर है तो इसमें से इस तरह से तेल का जो अंदर का सरफेस होगा वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस तरह से इसका सरफेस होगा, या पीछे की तरफ अधिक झुका हुआ होगा और आगे की तरफ यह यहाँ से स्लैंटिंग होगा, ठीक है, इस तरह से अपने आप इसका शेप हो जाएगा अगर स्मूथली ये मूव कर रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा। ये देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में पूछा सकता है, ये क्वेश्चन जो है वो UPSC का लिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, और अगर मैं बोलूँ तो लगभग सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो भी, चाहे छोटा एग्जाम हो बड़ा एग्जाम हो, हर किसी में इससे 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, और शायद अब आप लोगों को वो सारा याद भी होगा। इसका आंसर क्या होगा कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है, यानी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाता है, तो आदमी का भार उसके अंदर बढ़ा हुआ वह महसूस करता है। इससे मैं 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये 5 एक बार रिवाइज कर लो, अगर आपको आता है, नहीं आता है तो आप सीख लो। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ, ध्यान देना वर्ड्स पे, एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाती है तब आदमी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है तो आदमी का वेट जो है वह बढ़ा हुआ वह महसूस करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही है तो वेट क्या होगा, उसका वेट घटा हुआ वह महसूस करेगा। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे यह है कि जब लिफ्ट एक समान वेग के साथ, ध्यान देना, एक समान वेग यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव कर रही है, ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो व्यक्ति को अपना भार जो है वह जिस तरह का है वैसा ही फील होगा, यानी कोई परिवर्तन, चेंजेस उसको नहीं आएंगे, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हो गया। तो एक समान वेग के साथ, अच्छा एक्सेलरेशन होता क्या है, डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी है ही नहीं, यानी एक ही समान है, वेलोसिटी में डिफरेंस ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। इस केस में जैसा भार है उसी तरह का फील होता है उसको। अगर चौथा पॉइंट ये है कि अगर नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरता है, यह भी आपको पता है कि अगर डोरी टूट जाए तो उसके अंदर जो आदमी है उसका वजन वह कितना फील करेगा, वो फील करेगा जीरो, कितना करेगा जीरो, क्योंकि वेटलेस वो फील करने लगेगा और
उसका वजन कुछ भी उसको फील नहीं होगा। जब वह मुक्त रूप से एक फ्री फॉलिंग बॉडी की तरह लिफ्ट नीचे गिरने लगेगा। तो तीन चार पॉइंट हैं जो आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट आप यहाँ से याद कर लेना कि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का एक्सेलरेशन अगर जी से अधिक हो तो लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति लिफ्ट की फर्श से उठकर उसकी छत पर सट जाएगा। देखो ये है लिफ्ट, अगर एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी हो गया, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हो गया तो इंसान जो यहाँ पे था वह सीलिंग में जाके चिपक जाएगा, ठीक है, वह ऊपर उठ जाएगा। अगर ए इज ग्रेटर देन जी है तो, यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज़्यादा है तो, एक पॉइंट ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। अगर आप किसी भी वस्तु का क्वांटिटी बदलते हो तो क्या चीज़ अनचेंज रह जाता है, यानी कोई चेंजेस नहीं आता है, वह उसका डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। अगला है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल वाष्प में बदल रहा है, वाटर वेपर में बदल रहा है, तो यह कौन सा चेंज है, यह है फिजिकल चेंज यानी भौतिक चेंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे आपका हवा में अगर दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। एक देता है कि नॉर्मल क्वेश्चन आपको दे दिया तो उसमें हम लोग एयर फ्रिक्शन को जीरो मानते हैं, कुछ भी एयर फ्रिक्शन नहीं मानते हैं, तो उसका टाइम पीरियड एक ही होता है कोई भी ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अगर एयर दे दिया आपको क्वेश्चन में इस तरह से इंक्लूड कर दिया तो फिर एयर फ्रिक्शन वहाँ पर हम लोगों को लेना पड़ेगा, और अगर एयर फ्रिक्शन लेंगे तो जो हैवी गेंद होगा वह पहले पहुंचेगा और जो लाइट है वह बाद में पहुंचेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोगों ने यह बनाया हुआ। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हवाई जहाज में क्या होता है, वायु दाब की कमी हो जाती है, यानी एयर प्रेशर कम रहता है जिसके कारण से पेन से स्याही निकलने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि दो टेबल दिया हुआ है आपको, उसमें मैच करना है। देखो आपको सारा आता होगा, भूकंप ऊंचाई विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो भूकंप को किसमें मापा जाता है, यह सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप को दर्शाया जाता है। अगला है ऊंचाई यानी हाइट, हाइट को एल्टीमीटर से मापा जाता है। और विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, और प्रतिरोध का यूनिट है ओम। तो इस तरह से चीज़ें आपको दी हुई है कि किससे किसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा एक, क्योंकि ए का है दो, बी का है तीन, ठीक है, सी का है एक, और चार का है डी का है चार। तो आपका सही आंसर एक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा हुआ है, लोहे की कील पारे में तैरती है पर पानी में डूब जाती है, उसका कारण क्या है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि लोहे का कील जो है वह लोहे का डेंसिटी जो है वह पानी से ज़्यादा होता है लेकिन पारे यानी मरकरी से कम होता है, ठीक है, इसी कारण से वह मरकरी में तैरने लगता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा तीन, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम। अगला क्वेश्चन है कि तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों तेल पानी के तल पे फैल जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है कि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, या उल्टा भी आपको दिया जा सकता है कि पानी का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन तेल से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों। आप जानते हो कि हमको जो चलने में मदद करता है वह है फ्रिक्शन, ठीक है, हम फ्रिक्शन के बदौलत ही चल पाते हैं, और बर्फ बहुत ही चिकना होता है, उसका सरफेस बहुत ही क्लीन होता है, ठीक है, और उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है ज़्यादा, बहुत ही मिनिमम फ्रिक्शन होता है, यानी फ्रिक्शन लेस आप समझ सकते हो उसको, इसी कारण से चलना मुश्किल होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चार, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोलक घड़िया यानी पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, पेंडुलम क्लॉक गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों, क्योंकि पेंडुलम का जो स्ट्रिंग होता है उसका लंबाई बढ़ जाता है, ठीक है, पेंडुलम का लंबाई बढ़ जाता है जिसके कारण से वह गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है। सही आंसर है सी, ठीक है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसमें इकाई दोलक में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। आप सब जानते हो क्यों उबलता है, क्योंकि ऊंचाई पर
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, प्रेशर कुकर के अंदर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर हो सकता है वह किस पर निर्भर करता है, तो वह निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन। आप जानते हो छेद होता है जहाँ सीटी रखा जाता है, ठीक है, तो इसी पर डिपेंड करता है उसके अंदर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या के साथ क्या होगा। क्या बोला जा रहा है कि पृथ्वी के बाहर आप स्पेस में घूम रहे हो, यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हो, ठीक है, आप वहां से आपने एक सेटेलाइट में आप हो और वहां से आपने एक गेंद गिरा दिया बाहर, तो अब क्या होगा, क्या हुआ, गेंद पृथ्वी पर वापस चला आएगा, चंद्रमा पर चला जाएगा या सूर्य पे चला जाएगा, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा, जहाँ पे वो सेटेलाइट घूम रहे, ठीक है, वहीं पे वो बॉल भी घूमता रहेगा और जितना दिन तक वो बॉल रहेगा उतना दिन तक वो घूमता रहेगा, अगर कुछ एक्सटर्नल उस पर प्रेशर या कुछ भी नहीं डाला जाता है, ठीक है, तो वह घूमता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको आ गया कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वायुमंडलीय दाब से वह अधिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक यानी वर्क का यूनिट क्या होता है, ये होता है जूल। ये सब क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत ही आसान है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितना होता है, एक एचपी में 746 वाट होता है। अगला है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब क्या होगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज अचानक से समुद्र में अगर आ जाए तो क्या होगा, यह थोड़ा ऊपर उठा हुआ ऊपर उठ जाएगा, क्या होगा, यह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। आप जानते हो कि नदी के पानी का जो सैलिनिटी है और समुद्र के पानी का सैलिनिटी, ये दोनों अंतर है, ये दोनों में अंतर है, डेंसिटी में भी इसके कारण से अंतर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र का पानी ज़्यादा खारा होता है, इसके कारण से इसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से जब नदी का पानी और उसका लेवल आप देखोगे तो वह थोड़ा ऊपर उठा हुआ फील करेगा अगर जहाज यहाँ से वहाँ जाता है तो। अगला क्वेश्चन है कि किसी एक पिंड का तापमान निम्नलिखित में से किसका सूचक है, यानी किसी भी बॉडी का टेम्परेचर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वह पिंड के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा रिप्रेजेंट करती है, यानी उस बॉडी के पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी वह शो करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रह सकता है जहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पर अणुओं का कुल ऊर्जा, ठीक है, अणुओं का औसत ऊर्जा, तो आपको याद रखना है कि वह काइनेटिक एनर्जी है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जिसको उसका टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप कभी सही करते हो कभी गलत करते हो क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं रहता है आपका। क्या है क्वेश्चन, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है, किसके बराबर पानी हटाएगी, आयतन, भार, पृष्ठभाग, घनत्व। तो यहाँ तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप भार और आयतन में कन्फ्यूज होते हो, कभी कभी कोई स्टूडेंट घनत्व में भी कन्फ्यूज होता है, तो घनत्व का यहाँ पे रोल नहीं है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वह नाव अपने आयतन के बराबर पानी को रिप्लेस करेगी, ठीक है, आप ध्यान से देना, अपने आयतन यानी वॉल्यूम के बराबर, तो वह डूब जाएगी। जितना उसका वॉल्यूम है पूरे वॉल्यूम के बराबर अगर वह रिप्लेस कर देती है तो वह डूब जाएगी, लेकिन अगर अपने भार के बराबर को वह रिप्लेस करती है तो वह तैरेगी। दोनों आपको क्लियर हुआ, आपको कभी आप आंसर मार देते हो इस क्वेश्चन में, कभी मार देते हो भार का और तैरने वाले में कभी मार देते हो आयतन का, आप कंफ्यूज रहते हो। अगर देखो सिंपल सा याद रखने के लिए कोशिश करो, ये है आपका पानी का सरफेस और ये है इसका वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम के बराबर इसने रिप्लेस कर दिया यानी ये पूरा चला आया कहाँ, अंदर, ठीक है, अगर रिप्लेस कर दिया तो ये डूब गया ना, इसको बोलते हैं सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी पूरी तरह से ये डूब गया। अब दूसरा क्या है कि भार, अगर ये इसने अपने भार को रिप्लेस कर दिया, यानी ये मान लो ये है नाव और इसका भार कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसने भार के बराबर पानी को रिप्लेस कर दिया और पूरी तरह से पूरा वॉल्यूम ये इसका डूबा नहीं, यानी कुछ पार्ट इसका बाहर ही रह गया, तो ये तैरने लगेगा, यही होता है दोनों का प्रिंसिपल, ठीक है। तो भार के बराबर अगर उसने रिप्लेस कर दिया तो वह तैरेगी और अगर आयतन के बराबर उसने रिप्लेस कर दिया तो वह डूब जाएगी, इसको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि जब एक ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक बाल्टी पानी को झुलाया जाता है तब पानी ऊपर भाग से नीचे नहीं गिरता, उस समय वेग कितना होगा। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है,
अब देखो क्वेश्चन का चार ऑप्शन मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से बोलता हूँ। क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, आपने एक बकेट में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको पकड़ कर इस तरह से इसको मूव कर रहे हो, वर्टिकली इसको सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हो इस तरह से। तो क्या होगा, जब पानी से भरा हुआ बकेट है, ये पानी से भरा हुआ बकेट है, ठीक है, ये अब जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे आएगा, यानी ये पोर्शन पे जब रहेगा, तो सारा पानी नीचे गिर जाना चाहिए था, पर क्या ये सारा पानी नीचे गिरता है? नहीं। क्यों नहीं गिरता है और कब नहीं गिरता है? तो कब नहीं गिरेगा, इसका सही आंसर है कि बाल्टी में वर्तमान पानी की मात्रा को ध्यान में न रखते हुए कुछ न्यूनतम कपाट से ऊपर। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप इसको, अगर एक कोई भी एक फिक्स वैल्यू होगा, ठीक है, उसके स्पीड का, उससे अगर आप ऊपर कोई भी स्पीड को घुमा रहे हो तो वह पानी नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही उस वैल्यू से नीचे आएगा, उस स्पीड से कम होगा, तो पानी सारा गिर जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, इसमें बाल्टी में कितना पानी है और क्या है उससे डिपेंड, उससे मतलब नहीं है कि कितना पानी है, ठीक है, उसके मात्रा से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आधा बकेट पानी है या फुल बकेट पानी है। अगर उस वैल्यू से जैसे ही नीचे आएगा तो पानी गिर जाएगा, लेकिन उस वैल्यू से कोई भी वैल्यू ऊपर, आप कोई भी वैल्यू ले लो उससे, जैसे मान लो कि मैंने बता दिया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से एवब अगर हुआ तो ये नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा, इतना स्पीड से आप घुमाते रहो इसको, लेकिन जैसे ही 9.9 भी अगर हुआ तो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर है 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझ के याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, यानी एक तरह का डायमेंशन नहीं है जो भी आपको क्वांटिटीज दिया हुआ है। तो बल और दाब, इसका जो आपका क्या बोलते हैं, इसमें बल और दाब का डायमेंशन जो है वह एक समान नहीं होता है। बल का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है ML T-2, ठीक है, और दाब यानी प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, सॉरी डायमेंशन क्या होता है, ये होता है ML-1 T-2। तो दोनों का बराबर नहीं है, इस कारण से सही आंसर आपका ये। दूसरा देखते हैं क्या दूसरा है, कार्य एवं ऊर्जा, ये तो एक ही होता है, आवेग और संवेग ये भी एक होता है, और भार एवं बल ये भी एक होता है, तो आपका सही आंसर एक ही है, ये दोनों का बराबर नहीं होता है। अगला है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका मान अलग अलग है, यानी जिसका वैल्यू अलग अलग है, तो क्या उसके साथ नहीं हो सकता है, तो उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। कैसे परिणामी शून्य होगा, एक का डायरेक्शन अगर इधर है, दूसरा का डायरेक्शन इधर अगर हो भी गया तो उसे मतलब नहीं है, लेकिन जब तक उसका वैल्यू, जो उसका वैल्यू है वह बराबर नहीं होगा, तो परिणामी शून्य कैसे होगा, रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा, रिजल्टेंट जीरो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, यानी सदिश राशि कौन सी है। मैंने बोला था बल, बो का साउंड देखो, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बल, ठीक है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है, यानी यहाँ पे बो का साउंड नहीं आना चाहिए, संवेग आ रहा है, वेग आ रहा है, कोणीय वेग आ रहा है, यानी ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान, जो एक सदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। अगर घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो घोड़ा जो चला रहा है वह गिर सकता है, इसका कारण क्या है। अब आपका यहाँ पे क्या है कि वह रुका हुआ था और वह चलना उसने चालू कर दिया, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जड़त्व का आपका क्या हो जाएगा, विश्राम का जड़त्व, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपका सही आंसर है सी, यानी 3, विश्राम का जड़त्व के कारण वह गिर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, अगर कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूम रहा है तो वह किस ओर झुकेगा, पुराना क्वेश्चन है आपको, किस ओर झुकेगा, वह अंदर की ओर यानी भीतर की ओर झुकेगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्या कारण है उसका कि चंद्र तल पर वह ऊंची छलांग लगा सकता है, तो इसका एक ही कारण है कि पृथ्वी के रेस्पेक्ट में चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ठीक है, चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, जिसके कारण से वहां पे ज्यादा ऊंचा छलांग वह लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या का, अब क्या चीज समान होगा ये पूछा जा रहा है, शून्य यानी वेकम, वेकम में अगर कोई भी चीज गिर रहा है स्वतंत्र रूप से, फ्री फॉलिंग बॉडी है, तो क्या समान होगा, उसका एक्सलरेशन समान होगा, ठीक है, एक्सलरेशन उसका समान होगा अगर वह वेकम में स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो। अगला क्वेश्चन है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। अक्सर आप देखते हो कि क्रिकेटर जो बॉल पकड़ने के टाइम में वो हाथ पीछे कर रहा है, उसका कारण क्या है,
उसका कारण यह है कि उसको अधिक समय मिल सके और बॉल के द्वारा आरोपित बल कम हो सके। ठीक है, सही आंसर है एक, उसको अधिक टाइम मिलेगा और बॉल का जो फोर्स लग रहा है वह कम हो जाएगा। यहाँ पे मोमेंटम से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि मोमेंटम उसमें कम हो जाएगा अगर उसमें टाइम पीरियड अधिक होता है बॉल पकड़ने का, तो इसी कारण से वह हाथ पीछे खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन x टाइम समय t पर निर्भर करता है। जब x इक्वल टू अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा है, इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब एग्जाम में छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन, किस तरह से वेलोसिटी निकाल सकते हो अगर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है इक्वेशन के फॉर्म में, वो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आप जाके पढ़ते हो एलेवंथ में और मैक्सिमम स्टूडेंट एलेवंथ में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, और वो अब पढ़ते भी हैं तो ग्रेजुएशन करने के बाद अगर उनका साइंस स्ट्रीम नहीं रहा है तो वो भूल जाते हैं। अभी जैसे आप लोगों में से मैक्सिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, और कुछ तो कर पाओगे जिनका साइंस के साथ टच है। तो अगर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है प्रारंभिक त्वरण और वेग यानी वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है, तो इसी इक्वेशन से आपको निकालना पड़ेगा, और इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं वेलोसिटी और आपका दूसरा है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अगर आप सिंगल उसका डिफ्रेंशिएशन लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, यूनिटी डिफ्रेंशिएशन अगर निकालते हो यानी वन डिफ्रेंशिएशन लेते हो तो आपका निकलेगा वेलोसिटी, और उसी का आप सेकेंड डिफ्रेंशिएशन यानी फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आपका देगा वेलोसिटी, और सेकेंड डिफरेंशिएशन उसका क्या देगा, इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देगा वेलोसिटी, और सेकेंड डेरिवेटिव देगा इसका एक्सेलरेशन। यानी एक बार आप डिफरेंशिएट कर लो, फिर से उसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तब आपका निकलेगा एक्सेलरेशन, और एक ही बार अगर डिफरेंशिएट करोगे तो निकल जाएगा आपका वेलोसिटी। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएक्स अपॉन डीटी। ठीक है, dx अपॉन dt अगर लेते हो तो ये क्या होता है कि इसका जो पावर है वो सामने चला आता है और पावर के जगह पावर में एक कम हो जाता है। इसको मैं करके दिखाता हूँ, इक्वेशन आप एक बार फिर से देख लो क्या है, अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा, ये आपका इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस मेरा एक ही मोटिव है कि अगर इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन आ जाता है बहुत इजी, आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालने दे दिया जाएगा या वेलोसिटी निकालने दे दिया जाएगा, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके बहुत इजी डिफरेंशिएशन होता है, बहुत टफ नहीं होता है। यहाँ पे आपको बस बेसिक जो है वही याद रखना है, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आप आंसर निकाल के आराम से एक नंबर ला सकते हो। तो इसको आप डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी मैंने बोला कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है यानी डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे आपको करना होगा। ये सब देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है। इसमें होता क्या, मैंने आपको बताया कि पावर सामने चला आता है, जिसका ये हो जाएगा थ्री अल्फा और पावर के जगह एक कम हो जाता है, यानी थ्री था पावर, थ्री था टी पे, तो पावर हो जाएगा टू, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा टू बीटा और पावर एक कम होगा तो यहाँ पे पावर हो जाएगा वन, और जिसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं यानी कोई कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा जीरो। कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, ये होता है जीरो। ठीक है, आपका ये हो गया आपका वी वेलोसिटी का, आपका डिफरेंशिएशन अगर करोगे एक्स का तो वेलोसिटी आपका निकल गया। अब आपको पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मैंने ही बताया ये सेकेंड डेरिवेटिव होता है, यानी वी को आपको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, ये दो सामने चला आएगा और यहाँ बच जाएगा एक, यानी सिक्स अल्फा बच जाएगा, सिक्स अल्फा टी वन, और प्लस यहाँ पे एक सामने आएगा तो दो ही रह जाएगा, और टी पे पावर जीरो हो जाएगा, यानी ये टी पूरा पूरा खत्म हो गया, ये हो जाएगा बी, होगा ना वन माइनस वन यानी टी पावर जीरो, और टी पावर जीरो कितना होगा, ये होगा वन, और प्लस यहाँ तो जीरो पहले ही खत्म हो चुका है। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और ये हो गया वेलोसिटी। अब यही रेशियो पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, तो वह सिर्फ अल्फा और बीटा पर डिपेंड करेगा, यही आपसे पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा अल्फा और बीटा। तो अगर इस क्वेश्चन में कभी भी आपको वैल्यू निकालने दे दिया वेलोसिटी का क्या होगा या एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो
तो मैंने क्या डिफ्रेंशिएशन करके मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। उसके बाद आप टी का वैल्यू पुट करना वहाँ पे, जैसे दे दिया टी इक्वल टू टू पे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। तो सबसे पहले आप डबल डिफ्रेंशिएशन कर लोगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद टी का वैल्यू रख देना तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सलेशन। तो यहाँ से एक्सलेशन आप निकाल लोगे, क्या हो जाएगा, एक्सलेशन इक्वल टू एफ बाय एम। एफ कितना हो रहा है, कितना है, 5 न्यूटन, और एम है 2 kg, क्या हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है ये आनत क्या होता है, आनत होता है इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपको कोई चीज़ चढ़ाना है तो आप एक इंक्लाइंड सरफेस पे किसी भी चीज़ को आसानी से रोल करके ऊपर चढ़ा सकते हो। अगर आप उठा के चढ़ाते हो उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत आसान होता है। क्यों ऐसा आसान होता है, क्योंकि भार के केवल एक हिस्सा को संभाले रखना पड़ता है अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पे उसको रोल करती हो, तो इसलिए वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन बस इतना ही, चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले 50 क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।